हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम लोग सॉइल मैकेनिक्स में शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल पढ़ेंगे। ये सेकंड लेक्चर है, पहला मैं अपलोड कर चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, अब वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ सैंड, मोर्स थ्योरी, ये क्या है? मान लीजिए फाउंडेशन है, इसके ऊपर लोड आ रहा है, ये फाउंडेशन के नीचे एक पार्टिकल है, इसका एनालिसिस कर रहे हैं हम। ये इसका 3D बनाया फिगर, इस पे एक σ1, σ2 एंड σ3 तीन स्ट्रेसेस आ रही हैं। σ1 मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, σ2 इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड σ3 माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस, अगर आपको ये नहीं पता है तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल प्लेन्स वो होते हैं जिस पर शेयर स्ट्रेस जीरो होती है, ओके। 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स आर कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन्स, ठीक है। जिस पे सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस काम करती है वो प्रिंसिपल प्लेन्स होते हैं, और जबकि शेयर स्ट्रेस उन पर जीरो होती है, ओके। तो ये मेजर हो गई है σ1, और ये σ3 हो गई है माइनर, और ये σ2 हो गई है इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये सॉइल पार्टिकल है, इस पे हम लोग फोर्स का एनालिसिस कर रहे हैं। अब 2D एनालिसिस कर रहे हैं, तो σ1 ले लिए और ये σ3 ले ली। मान लीजिए ये एक इंक्लाइंड प्लेन AA है, ओके, जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस से थीटा एंगल बना रहा है। कंसीडर अ प्लेन AA एट एन एंगल ऑफ थीटा विद मेजर प्रिंसिपल प्लेन, ओके। ये नॉर्मल स्ट्रेस काम कर रही है, ये शेयर स्ट्रेस काम कर रही है इस इंक्लाइंड प्लेन पे, और ये जो रिजल्टेंट है σr, ओके। तो ये जो σr है ये बीटा एंगल बना रही है नॉर्मल से। तो नॉर्मल स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला हो गया है σn बराबर σ1 प्लस σ3/2 प्लस σ1 माइनस σ3/2 इंटू cos2θ। ये फॉर्मूला कैसे याद रखना है, ये cos2θ कॉस से ले लेंगे, कॉस मैं नॉर्मल जिंदगी जीता, ओके। तो नॉर्मल में कॉस आना है, कॉस, ये कॉस और साइन में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो यहाँ कॉस के लिए कॉस मैं नॉर्मल जिंदगी जीता। और शेयर से शेयर स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला हो जाएगा σ1 माइनस σ3/2 इंटू sin2θ। तो एस है और यहाँ पे ये एस है, तो यहाँ से sin2θ, ये सेकेंड टर्म यहाँ से यहाँ आ जाएगा सीधे, और साइन एस से यहाँ ये याद रहेगा, ठीक है। रिजल्टेंट स्ट्रेस σr बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट σn का स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर। ये ऐसे हो रहा है, अगर ये इसका रिजल्टेंट हो गया है σn का स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी टेन बीटा बराबर टाउ अपॉन σn, ये वाला ऐसे हो रहा है, ये यहाँ पे मिला तो बीटा बराबर ये हो जाएगी टाउ लंब बटे आधार, ओके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखते हैं, द शेयर फेलियर अकर्स ऑन दैट प्लेन इन विच रिजल्टेंट स्ट्रेस σr इज मोस्ट इंक्लाइंड विद द नॉर्मल ऑफ दैट प्लेन, सच प्लेन कॉल्ड क्रिटिकल प्लेन और फेलियर प्लेन। इफ ए फेलियर प्लेन देन एंगल थीटा कॉल्ड क्रिटिकल एंगल ऑफ फेलियर प्लेन थीटा सी। तो ये क्या है, फेलियर उस प्लेन पे होगा जिस प्लेन के लिए ये जो बीटा मैक्स बीटा है वो बीटा एंगल है वो नॉर्मल ये है नॉर्मल स्ट्रेस से मैक्सिमम एंगल बना रहा हो, यानी जो बीटा एंगल है वो मैक्सिमम होना चाहिए σn से, यानी जो σr है वो σn से मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। द शेयर फेलियर अकर्स ऑन दैट प्लेन इन विच रिजल्टेंट स्ट्रेस σr, जो σr है वो मोस्ट इंक्लाइंड विद द नॉर्मल ऑफ दैट प्लेन, ठीक है। सच प्लेन कॉल्ड क्रिटिकल प्लेन, तो वो प्लेन ये वाला प्लेन ए है वो तब क्रिटिकल प्लेन कहलाएगा। और फेलियर प्लेन, इफ ए फेलियर प्लेन देन एंगल थीटा इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल ऑफ फेलियर, अगर ये ए फेलियर प्लेन हो जाएगा
तो जो थीटा है वो क्रिटिकल एंगल कहलाएगा, ओके, क्रिटिकल एंगल ऑफ फेलियर प्लेन। तब ये टेन बीटा है तो ये बीटा मैक्स हो जाएगा बीटा, तो टाउ एफ एफ और बाई सिग्मा एन, ये टाउ एफ एफ हो गई है, एफ एफ यानी एट फेलियर एफ ले लेंगे और एट फेलियर, और ये दूसरा एफ है एट फेलियर प्लेन, ओके, ये एट फेलियर प्लेन पे, ये एट फेलियर और ये एट फेलियर प्लेन पे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू।